कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमारे पास थे ये तीन जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं अभी, एंगुलर, Vue.js और React। एक चीज़ ये आप जहन में रखें कि ये तीनों जो है ना सिंगल पेज एप्लीकेशंस कहलाती हैं, SPA, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती हैं इन फ्रेमवर्क से, React से, एंगुलर से और Vue.js से सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखें। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि अभी मैं इधर क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, ये देखें पेज रीलोड नहीं होता इसी पेज के अंदर, इसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ दूसरे लिंक पे जाता है, ठीक है, चेक दैट आउट। ये मोस्टली अब ये देखें ये पूरा रिफ्रेश होगा, ये देख रहे हैं आप, तो पूरा पेज वेबसाइट रिफ्रेश होता है एक पेज को लोड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह इसमें आप देखेंगे तो ये रिफ्रेश नहीं होता, ये उसी उसके अंदर पेज के अंदर रहते हुए नेक्स्ट पेज पे चला जाता है उसी ऐप के अंदर, ये पूरा साइट रिफ्रेश कर रहा है। ये डिफरेंस होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन और इसमें बाकी ये जो है। अब इसके अंदर ये देखें CSS border ASP, ये एक फाइल होगी आपके उस पर ना सर्वर पे, ये इस तरह से पड़ी होगी, तो ये हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये उस पर चला जाता है CSS/, ये एक और फाइल हो गई, इसी तरह से कलर्स की एक और फाइल हो गई, ठीक है, वो इस पूरे फाइल को लोड करता है पीछे से, बैकएंड से, ठीक है। इसमें आप देखें तो कोई लोड नहीं हो रही, वहीं पे आपको पेज चेंज हो रही है, ठीक है। और ये देखें कितना फास्ट, मतलब कितना स्मूथ ये चलता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लिक करने पर ही वो लोड हो रहा है। इस पर आपको ये देखें थोड़ा टाइम लगता है अभी, क्योंकि इंटरनेट इधर मेरे पास फास्ट है तो वो मतलब लोडिंग में इतना टाइम नहीं ले रहा, वरना ये पूरा लोड होके आने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इंडिविजुअल पेजेस लोड हो रहे हैं, ठीक है। और इधर एक ही पेज है उसके अंदर कंपोनेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं यूज़। तो कमाल कह रहे हैं बैकएंड लिंक HTTP से करते हैं क्या, तो HTTP जो है ना ये हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, इसका अगला वर्जन जो है ये S है, इसका मतलब सिक्योर है, इस पर भी हम बाद में आएंगे, लेकिन हाँ HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपके बैक एंड से कम्युनिकेट करता है। अब फॉर एग्जांपल हम इस पेज पे आए हैं तो इस पेज पे क्या हो रहा है कि या इधर से देख लेते हैं, ठीक है, W3 स्कूल्स पे जब हम शुरू में आते हैं तो ये पेज लोड होता है। तो इसके लिए इसने क्या किया, हमने इस पर क्लिक किया, ये इसने बैक एंड को रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे ये वाली फाइल भेज दें आप, ठीक है। जब ये लिंक, अब इसका खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके पीछे लिंक होगा, ठीक है, ये देखें href लिंक है ये HTML editor.asp, ठीक है, वो ये भेजता है बैकएंड को इस w3schools.com के सर्वर को कि मुझे आगे ये पेज आप भेज दें, ठीक है। वो फिर इस सर्वर पे जाता है HTTP के थ्रू, HTTP समझे मतलब हाईवे है, इस हाईवे पे वो जाता है, इस सर्वर पे जाता है और फिर वहाँ से आपको वापस कर देता है ये पेज, और वो फिर इधर डिस्प्ले कर देता है आपका HTML CSS और JavaScript मिल के। तो ये था इसमें डिफरेंस। और अभी हम चलते हैं React की तरफ। React को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो इसका इसको CDN से भी हम अपने एज अ स्क्रिप्ट भी डाल के हम यूज़ कर सकते हैं इसकी चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब दिस इज़ नॉट द वे टू यूज़ React। उसके लिए आप टूल है क्रिएट React ऐप, तो हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके पास नोड इंस्टॉल हो चुका है ना सबके पास? यस सर। ठीक है, अगर हो चुका है तो आप ये जो देख रहे हैं npx create-react-app और फिर आगे अपना ऐप, इसके ये जो ऐप है इसकी जगह में आप अपना नाम दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है, आप मतलब दे सकते हैं, आप ये कर लें और मुझे बता दें ये जब हो जाए, ठीक है। आप इधर किसी फोल्डर में जाएं और वहाँ पे आप टर्मिनल खोलें और लिखें npx create-react-app और फिर आगे अपना नाम, कोई भी क्लास ऐप, मैंने इसका नाम रख दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए वो ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये अच्छा V आ रहा है उसका, तो
तो फिर आप अपना कमांड चेक करें, एन पी एक्स क्रिएट डैश रिएक्ट डैश एप, और कुछ भी आगे दे दें। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। फिर आप उस पे जाएं, कमांड, ये जो स्टार्ट है, कमांड लाइन पे जाके राइट क्लिक करें, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे? ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और वो जब खुल जाए वो आपसे मांगेगा परमिशन, उसको यस कर दें। खुल गया। अच्छा, आप जाएं डी कैपिटल डी और ये कॉलन लिख दें और इंटर मारें। आपके पास फिर कौन सा ई है? ई में जाएं आप और वहाँ पर ये लिखें एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट एप। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास आपके ऐप का क्या नाम आपने दिया था? ठीक है, अब मेरा फॉर एग्जांपल, मेरा पहले ये खाली फोल्डर था क्लास का, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर आगे क्लास डैश ऐप दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे ऐप का नाम है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। अभी एन पी एम स्टार्ट लिख के इंटर मार रहे हैं। यहाँ तक किन किन का हो गया है? सबका हो गया। कमाल, हो गए। और ये एन पी एम स्टार्ट भी कर लिया है, ये चल गई है। यहाँ तक सारे आ चुके हैं? मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। आप वी एस कोड ही खोलें अभी के लिए, ठीक है। वी एस कोड इस तरह एम्प्टी खोलें और यहाँ से आप चले जाएं ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर से आप अपनी इस जो भी डायरेक्टरी है वहाँ तक जाएं, वो खोलें और सेलेक्ट फोल्डर करें, तो वो आपको खोल देगा, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया? हाँ गाइस, हो गया है सबका। अच्छा, वी एस कोड अगर नहीं है तो आप लोग मैं लिंक इसका डाल देता हूँ ग्रुप में। तो चार्जर नहीं मिला था अभी के, कितम कितम से ट्रेवल इट रहा है चार्जर में। बता दो यार किसका कितना हुआ है। अच्छा, तो ये आपके पास
क्या क्या आ गई है? ये नज़र आ रहा है ये बटन? ठीक है, बस सही है। ठीक है, तो ये दैट मींस कि आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अब इन पे ये मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर है इस रिएक्ट का, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर इसके अपने डिफरेंट डिपेंडेंसीज होते हैं। अभी जिस तरह हमने कहा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को क्या करते हैं, पैकेज करके एक बड़ा पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंट बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, ये ओपन सोर्स पैकेजेस हैं जिनको ये रिएक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इसकी डिपेंडेंसीज हम बाद में देखेंगे कि हम थर्ड पार्टी कोई चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसके स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, एक पैकेज है हम वो यूज़ करना चाहते हैं, और प्रिंटिंग के लिए कोई और पैकेज है वो, तो हम उनको भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर स्टोर होती है नोड मॉड्यूल्स में। तो नोड मॉड्यूल्स का आपका जो फोल्डर है वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो पब्लिक फोल्डर है, ये वो फोल्डर है जहाँ पे मतलब आपकी एप सिर्फ ये जो सिंगल पेज है ना वो ये है, index.html, और उधर अंदर ये रूट आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो index.html के अंदर ये ID रूट के साथ ये जो div है आपकी सारी रिएक्ट की ऐप इसमें लोड होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक ही सर्वर से ये एक ही जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस है, तो जो सिंगल पेज है ना वो ये है, और ये दिस इज़ इन पब्लिक फोल्डर, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी इसके साथ होती हैं, और ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके मैनिफेस्ट जेसॉन, ये इसके बारे में फ़िलहाल आप टेंशन ना ले, इसको बाद में देखेंगे, रोबोट्स भी आप रहने दें, ठीक है। फ़िलहाल बस इसमें ये एक ही चीज़ है index.html, जो कि हमारे काम की चीज़ें हैं। और उसके अंदर आप देखें ये जो टाइटल वगैरह है ना वो इधर से हम सेट कर सकते हैं, इधर होगा देखिए, और इधर आप अपना नाम डाल दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ क्लास 101, ठीक है, वेब क्लास 101 मैंने डाल दिया। और ये अभी आप आएंगे तो अच्छा, इसकी एक खूबसूरती ये है कि आपको ये रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा। अभी ये देखें वेब क्लास 101, जो टाइटल उधर हमने दिया था ना ये उधर आ गया, सही है। इसी तरह अब मेन जो फोल्डर है जिसमें आपका 95-98% जो टाइम गुजरेगा वो इस फोल्डर के अंदर गुजरेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अभी के लिए आप लोग जो मेन जो फाइल है वो ये है app.js, इस पे फोकस करना है। अब इसके अंदर आप देखें ये VS कोड पे आके कंट्रोल भी दबाएंगे तो ये जो टॉगल, ये जो एक्सप्लोरर है राइट साइड पे, ये आपका ओपन क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल बी से ओपन होगा, कंट्रोल बी से क्लोज होगा, ठीक है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ फॉर नाउ। तो अभी हमने ये इस फाइल को स्टडी करना है, app.js, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर देखें सबसे ऊपर ये कह रहा है एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड, ठीक है, वो ये चीज़ है, ठीक है। अभी आप इसको कर दें, अपना नाम लिख दें, ठीक है। ठीक है, और आप सेव करेंगे तो वो इधर आप वो चेंज आपको इधर नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह इसने ये लिंक बनाया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया उधर से रिमूव। अब ये लोगो है वो इसने इमेज टैग के अंदर सोर्स दिया है, और सोर्स ये कहाँ से आ रहा है ये इसने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल नहीं, ये फाइल को इंपोर्ट कर रहा है, SVG फाइल है, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि तुमने सोर्स ये है और इसको डिस्प्ले करना है। और रिएक्ट में क्लास जो देते हैं ये इस तरह से देते हैं, क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि अगर हम क्लास देंगे तो ये उसमें भी हमारे पास है क्या नाम है, HTML में भी क्लास है। HTML का आपको पता है ना, क्लास होती है, ID होती है, ठीक है, उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। तो रिएक्ट में क्लास नेम है, ठीक है।
समझ आ रही है इधर तक? क्लास नेम एचटीएमएल में आपको पता है क्लास किस लिए यूज होता है? नहीं नहीं वो डिफरेंट है। इसमें आप देखें, अभी मैं बोलता हूँ कि एक मिनट, इस फाइल के एंड पे आते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि रेड बीजी या रेड बैकग्राउंड, ठीक है, और मैं इधर कहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। ये एक मैंने क्लास बनाया है सीएसएस में, सही है, डॉट और फिर आगे रेड बैकग्राउंड। अब ये मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मैं जिस जिस एलिमेंट को दूंगा ना आपने उसमें, ठीक है, अभी हम इधर बनाते हैं डॉट उस क्लास के नाम के साथ, ठीक है, H3, दिस इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास, और फिर मैं कहता हूँ P डॉरम, ठीक है। अब हम बनाते हैं, ये देखें, ये रेड कलर को रेड बैकग्राउंड के साथ हमारे पास ये आ गया। अभी मैं एक और क्लास बनाता हूँ कि डॉट ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू, ठीक है, और मैं देता हूँ डॉट बैकग्राउंड क्या रखा था, ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, H3, दिस इज ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, और मैं कहता हूँ लॉरम, ठीक हो गया, और मैं इसको देता हूँ पैडिंग 10px, मार्जिन टॉप 10px, ठीक है। अब ये दूसरा क्लास हमने बनाया ब्लू कलर का, ये देखें, ठीक है, जो रेड कलर का है। अभी मैं दोबारा एक और बनाता हूँ इसके नीचे, जिसको हमने अगेन ये रेड बैकग्राउंड क्लास दिया हुआ है हमने, ठीक है, ये देखें एक और आ गया इसके नीचे। अब मैं दोबारा ब्लू, मैं जितनी दफ़ा ये दे दूँगा या जितने इसके अंदर भी या ब्लू के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट रेड बैकग्राउंड, ठीक है, H4, दिस इज इनसाइड रेड बैकग्राउंड इनसाइड ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर भी, ब्लू के अंदर भी ये रेड बैकग्राउंड के साथ हमारे पास डिप आ गया, ठीक है। तो क्लासेस इस तरह से काम करती हैं, सिर्फ स्टाइलिंग के लिए नहीं, हम इनको जावास्क्रिप्ट से मतलब सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वो एज ए सेलेक्टर भी काम आते हैं। तो ये क्लासेस क्या करते हैं कि हम एक दफ़ा इन पर ये बना दिया, हमने डिफाइन कर लिया, ये CSS फाइल है, ठीक है, इसके अंदर हमने बना लिया, और इधर हमने HTML में इसको दे दिया कि जो फोल्डर है, जो div है, इस div को आपने रेड कलर देना है, रेड बैकग्राउंड वाली क्लास देनी है, ठीक है, और वो हम इस तरह से करते हैं, क्लास नेम इक्वल्स दिस, ठीक है। अब आप जो क्लास बोल रहे हैं ना, वो कंपाइल्ड उसमें लैंग्वेजेस में, ये तो मतलब मार्कअप लैंग्वेज है, ये उस तरह की लैंग्वेज ही नहीं है, ये HTML के अंदर है, HTML, ये वेब में है, ठीक है, वेब वाली क्लास अलग है और बाकी लैंग्वेजेस वाली क्लास अलग है, सही है, समझ आ गई है? अच्छा, अभी तक मुझे बता दें कि किसका कितना हुआ है और किसको कितनी समझ आई है। कमाल, ये चीज़ हो गई है, इधर तक आ गए हो तुम? वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है? कमाल, इंस्टॉल हो रहा है? अच्छा, कमाल की,
ठीक है, एक मिनट, मैं दोबारा से जाता हूँ। तो ये मैंने इसको एबीएस कोड को ही मैंने एग्जिट कर दिया। ये मेरे पास अभी वो फोल्डर है, ठीक है, जो मतलब ऐप अभी बनाया है npx create react app से। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ वीएस कोड करता हूँ। एक ये ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा है मैं वीएस कोड में जाके यहाँ से, ठीक है, ये इसी को ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं जाता हूँ ओपन फोल्डर। ये नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, ओपन फोल्डर कर दिया, और इस वाले फोल्डर को ओपन करना है जो अभी हमने ये बनाई है ऐप। ठीक है, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर दें और फिर ये आपके पास आएगी। सही है, इस तरह की कोई चीज़ आएगी। आ रही है? ठीक है, अगर कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये जो राइट वाला पैनल है आपके पास लेफ्ट होगा, मैंने इसको राइट कर दिया है, वो भी मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगा कि क्यों। और ठीक है, आप कंट्रोल बी दबाएंगे ये ओपन होगा, और दोबारा दबाएंगे ये क्लोज होगा। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स आ गई। सही है, ठीक है। तो ये नोड मॉड्यूल्स हैं, इसको फिलहाल आप रहने दें। इसके अंदर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज हैं जिनके ऊपर रिएक्ट जेएस डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद ये अगला फोल्डर आता है पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, जो कि मेन फाइल है जो लोड होती है सर्वर से, मतलब जिसके अंदर हमारे सारी ऐप लोड होती हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये वो सिंगल पेज है जो कि लोड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बाकी चीज़ें लोड होती हैं हमारे पास, वो इधर से आती हैं। src फोल्डर है, ये मेन फोल्डर है, और इसके अंदर आपकी है ऐप css, ऐप js, इंडेक्स js, इंडेक्स css। ठीक है, बाकी ये आप फिलहाल इग्नोर ही कर दें। ठीक है, तो हम आते हैं ये ऐप js पे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई नहीं हुआ हो, मसला आया हो यहाँ तक? ठीक है, अभी ऐप जेएस के अंदर आप आते हैं। तो ऐप जेएस में हमारे पास, हमने कहा था कि अच्छा, इसके अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि एचटीएमएल अलग होता है, सीएसएस अलग होता है, जावास्क्रिप्ट अलग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सीन है कि सीएसएस को आप इस तरह से अलग फोल्डर में, फाइल में रख सकते हैं। ठीक है, ऐप डॉट सीएसएस ये वाला है, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर है, उसी फाइल में है, और उसको आप लिंक कैसे कर रहे हैं, ये डॉट और आगे उस फाइल का नाम इम्पोर्ट। ठीक है, पहले इम्पोर्ट लिखना है, ठीक है, और फिर फाइल का नाम। सही है, समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद आप ये फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है क्या, ये एचटीएमएल। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल और सीएसएस लिख रहे हैं, इसको जेएसएक्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट का सिंटेक्स है। ठीक है, और ठीक है, ये रिएक्ट का सेंटेंस है। रिएक्ट के सेंटेंस में क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन रिएक्ट ऐप और बाकी वेब एप्स में, वो ये है कि JSX जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम HTML और CSS लिखते हैं। ये चीज़ आपने मतलब ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है वो ये है। अब ये हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, देखिए नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इस तरह से लिखते हैं। सही है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं रिटर्न, और ये डेव क्लास नेम, और ये चीज़, ये हमारे पास है HTML का। अब उसके बाद हमने कहा था कि क्लास नेम जो होता है वो रिएक्ट में क्लास को डिफाइन करता है, मतलब क्लास आप स्पेसिफाई करते हो। अब ये ऐप क्लास क्या है, हम ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जब जाएंगे तो आप ये देखें, डॉट ऐप है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये इसने नाम रखा है। अब मैं इधर और भी कुछ कह सकता हूँ कि कलर, टेक्स्ट का कलर आप रख दो ऑरेंज। ठीक है, अब ऐप के अंदर, ऐप ये जो वो है क्लास नेम,
इस div के अंदर जितने भी हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर ये ऑरेंज कर देगा, सही है। तो ये एक इसके डिफरेंस है। अब उसके बाद हमने ये बनाए थे दो हमारे क्लासेस खुद से बनाए थे हमने, रेड बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड। ये आप लोग करें ना, आप लोग अपने पास करें और मुझे बताएं किस किस का हुआ किस किस का नहीं हुआ। बैकग्राउंड, हाँ ये देखें, बैकग्राउंड कलर रेड दे दें, ब्लू दे दें, मतलब पॉइंट है कि इस बात को समझना है कि क्लास क्या चीज़ है, ठीक है। अभी चले आप रेड दे दें, ये इस तरह से दे दें डॉट और आगे क्लास का नाम, फिर अंदर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हो गया है सबका? डॉट बैकग्राउंड, हाँ ये डॉट रेड बैकग्राउंड और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड डैश कलर। अभी तक आया है किसी का आउटपुट? ये ब्लू बैकग्राउंड नजर आ गया आपको? ठीक है, अच्छा ये आ गया है, सही है, गुड है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है, रेड रखे हैं, ब्लू रखे हैं, और ये बस बेसिक सिंटेक्स है, दिस इज मतलब रिएक्ट, सही है। बाकी सबका हो गया इधर तक? बैकग्राउंड कलर देखो, अच्छा टेक्स्ट आ गया, सही है। ए डॉट सी एस एस में डिफाइन किया इस तरह से, ठीक है। और ये लाजमी चेक करना, क्लास नेम, क्लास नेम को कॉपी पेस्ट कर दें बेशक स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो जाएगी। डॉट एप डॉट सी एस एस में डॉट के साथ लिखना है, रिएक्ट में नहीं, JSX में विदाउट डॉट। हाँ बिल्कुल, ये स्पेलिंग का अक्सर हो जाता है, चलो कोई नहीं। उसके बाद ये W3 Schools, यहाँ से आप लोग CSS का ये गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैं बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, अब देखें ये दे रहा है बॉडी को बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, H1 को, ठीक है। अब ये जो H4 लिखा है ना, ये हेडिंग 4, ठीक है, ये मतलब हमारे पास एक हेडिंग है, ये थोड़ी साइज इसका बड़ा होगा और इसका वेट थोड़ा मतलब भारी होगा, ठीक है।
बाकी ये स्पेन है या पी टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट, ये थोड़े लाइट होंगे। इसमें हमारे पास चेक करें, ये जो आउटपुट आ रहा है ये हेडिंग है, ठीक है, H4, ये जो ब्लू बैकग्राउंड वन लिखा है ये देखें थोड़ा बड़ा मोटा है, ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है पी में। आप इसको भी स्टाइल कर सकते हैं, इस जैसा बना सकते हैं, लेकिन HTML के सिंटेक्स के मुताबिक, ठीक है, H4 H1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैं इधर ही आपको दिखा देता हूँ H1, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 तो है ही, मतलब 5, ठीक है। अभी 2 3 ठीक है, ये देखें ये इनके डिफरेंट साइजेस हैं, H1 2। अब H1 सबसे बड़ा होता है मेन हेडिंग के लिए, किसी भी वेबसाइट पे देखें तो जो मेन हेडिंग होगी वो H1 2 या इनमें से कोई एक होगी। फिर जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ या फिर मतलब ये डिस्प्ले के लिए हैं, ठीक है। और अब इसी तरह इसने H1 को कलर दिया है वाइट और कह रहा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है, ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो कॉलन से पहले है, कलर मींस टेक्स्ट कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मींस बैकग्राउंड कलर, और वाइट में वैल्यू है, ये कह रहा है कलर को वाइट कर दो, ये बैकग्राउंड को लाइट ब्लू कर दो, और ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है पी, इसको आप वर्डाना कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसी को मतलब कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इधर, अपने पास ना क्लास वो हम बना सकते हैं पी, और इधर मैं कहता हूँ कलर ऑरेंज, ठीक है, और पी हम बना देते हैं नीचे पैराग्राफ, ठीक हो गया। ये देखें अब उसने पी को, सिर्फ पी को टारगेट किया है, ठीक है, जो पैराग्राफ टेक्स्ट है CSS में हमने बताया उसे कि सिर्फ पी को करना है आपने, ठीक है। अब पी के आगे कोई डॉट नहीं है, दैट मीन्स कि ये मतलब इस एलिमेंट को ही कर रहा है। अब मैं H5 लिखूँगा, ठीक है, H4 H1 H2 ये HTML के नेटिव एलिमेंट्स हैं, उन्हें टारगेट कर रहा है। और अगर डॉट लिख के हम कर देते हैं, डॉट H5 या डॉट ब्लू बैकग्राउंड कर देते हैं, दैट मीन्स कि ये हमने खुद डिफाइंड किया है, क्लास से ये, ठीक है, तो इस क्लास पे ये वाली आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, ये समझ आ गई है। ये एक HTML को उसका CSS का बेसिक जो बेसिक एक प्रिंसिपल है वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट, ठीक है, सेलेक्टर्स होंगे, मार्जिन मार्जिन होगा, कलर्स बॉर्डर्स पेडिंग शेडिंग वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये आप खुद से अपने टाइम पे देखना। अभी हमारे पास 14 मिनट्स रहते हैं टोटल, और उसमें हम मजीद उसके अलावा चलें HTML का भी इधर से, ठीक है, हेडिंग वगैरह ये आपको मैंने दिखाया था, ठीक है, पैराग्राफ्स होगा, ठीक है, पैराग्राफ के बारे में ये बता रहा है कि HTML पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ्स और स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, ये इसके रूल्स आप जहन में रख लें, मतलब बाद में आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपसे ये टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के पैराग्राफ की क्या खासियत है, वो हमेशा न्यू लाइन पर आएगी। अब मैं स्पेन में देखता हूँ तो ये एक स्पेन का भी टैग है, ठीक है, ये वाला जो है जैसे, अब ये इसकी ये है कि ये न्यू लाइन पे नहीं आएगा लेकिन पी न्यू लाइन पे आएगा। तो इस तरह की चीज़ें सटल जो डिफरेंसेस हैं ना वो आपने जहन में रखना है जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे। और फिर ये HR है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने डाला हुआ है, इधर चेक करें, ठीक है, ये इसके बाद ये HR जो डाला है ना, HR ये जो लाइन है बीच में, ठीक है, दिस इज द न्यू लाइन। और अगले क्लास तक आप लोग ये सारे कर लें। और एक चीज़ आपने बनाना है कि मैं एक बेसिक ठीक है, ये इस तरह की आपने अपनी CV बनानी है। और इसके लिए आप लोग
अपनी फ़ोटो डालेंगे। सही है, मैं बल्कि ये इसको एग्जैक्ट यही बनाना है आपने, कोशिश करना है कि इस तरह की बन जाए। ठीक है, और वो आपने आप रिएक्ट में बना लें या फिर अलग से HTML और वो बना के CSS बना के वो डाल दें। ठीक है, अगली क्लास अगर रखनी हुई तो आप लोग मुझे बता देना, तब तक आप लोग इतना कर लें कि ये आप बना लें। ठीक है, इस तरह का एक आउटर ड्यू हो, उसके अंदर एक आपकी इमेज हो, इमेज के राइट साइड पे, ठीक है, राइट अलाइन में ये आपकी जो डिटेल्स है, नाम और अपना स्टूडेंट, फिर अपने बारे में थोड़ा कुछ ये आइकन्स थोड़े डाल दें। ठीक है, ये चेक कर लें। फॉन्ट ऑसम नाम की एक वेबसाइट है जो कि आइकन देती है, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है, वो वेब पे आप जितने भी आइकन्स देख लेते हैं ना, वो इधर से आ जाते हैं, ये लोग प्रोवाइड करते हैं आइकन्स। तो ये आप बना लें, उसको आप एक दफ़ा रेडी हो जाए ना, फिर मुझे आप लोग बता दें। उसके अलावा और नेक्स्ट हम इसमें रिएक्ट में क्या करेंगे कि एक लॉगिन और साइनअप का हम जो रजिस्टर और लॉगिन वाला है वो हम बना लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए और कोई आप लोग सजेस्ट या फिर कोई चीज़ समझ ना आई या कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें।